मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह दौरा, दिल्ली दौरा, काफी खास माना जा रहा है। चलिए बढ़ते आगे। झारखंड में उग्रवाद नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध सरकार, त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय। एनआईए के तहत आतंकवादी, वामपंथी उग्रवादी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए होगा गठन। सीबीआई की तर्ज पर ही एनआईए के विशेष न्यायालय का गठन होगा। मुख्य धारा से भटके लोगों को वापस समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास है और इसके लिए नक्सलियों को आत्मसमर्पण का विकल्प दिया गया है और उन्हें बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हुनरमंद बनाने की पहल की गई है। शहीदों के आश्रितों को दिया है सम्मान। 173 नक्सलियों के विरुद्ध पुरस्कार की राशि प्रभावी की गई है और भाकपा माओवादी और पीएलएफआई के फरार 6 सक्रिय नक्सलियों की गिरफ्तारी को लेकर नए पुरस्कार राशि की घोषणा की गई है। 120 नक्सलियों के विरुद्ध पहले से घोषित पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। वर्तमान समय में 279 नक्सलियों के खिलाफ पुरस्कार घोषित किए गए हैं। समय की ब्रेकिंग खबर दिखा रहे हैं और लगातार नक्सलियों को यह कहा जाता रहा है, चाहे हम बात करेंगे डीजीपी एमवी राव की, तो साफ तौर पे कि नक्सली मुख्य धारा में लौटे तभी उनका भला हो सकता है। कई नक्सलियों के नाम, उनके चेहरों के साथ इनाम की राशि की घोषणा भी की गई है। हालांकि झारखंड में उग्रवाद नियंत्रण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, लगातार त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय और इसके साथ साथ सीबीआई की तर्ज पर ही एनआईए के विशेष न्यायालय का गठन होगा। पहले उन्हें हुनरमंद बनाना, जो मुख्य धारा से भटके हुए हैं नक्सली, ये लगातार कोशिश झारखंड सरकार की भी रही है। और आपको जानकारी इसमें देना चाहेंगे कि लगातार नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने के लिए कहा भी जाता रहा है। वर्तमान समय में 279 नक्सलियों के खिलाफ आपको जानकारी दे दें कि पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। कई कामयाबी भी लगातार झारखंड पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ मिल रही है, जिसमें कि कई बार देखा गया कि नक्सली सरेंडर भी करते हैं और कई बार गुप्त सूचना मिलती है पुलिस को इन नक्सलियों के बारे में और पुलिस इन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नक्सलियों को गिरफ्तार भी करती है। साफ तौर पर कहा गया है डीजीपी एमवी राव की तरफ से कि जो भी इन नक्सलियों की सूचना देते हैं उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें पुरस्कार भी दिया जाएगा। इनाम की राशि की घोषणा भी की गई है। नक्सलियों के विरुद्ध पुरस्कार की राशि प्रभावी भी देखी जा रही है। और अब खबरों में बढ़ेंगे आगे। बीजेपी विधायक रणधीर सिंह के साइबर अपराधियों के पक्ष में